who are the toxic people? आप लोगों का तो बड़ा limited exposure होता है. Toxic people, anyone who makes you feel drained emotionally or physically is toxic for you. Your colleagues at times they are possessive about you. Yes. If the other person is making you feel insecure about your own self. Parents and teacher need to play a role for that also. Yes. जो toxic बंदा है उसकी ज़िंदगी कैसे बीतती है? उन लोगों के साथ होता है. I believe कि देखें problems हर किसी की ज़िंदगी में तो but the thing is कि कुछ लोग उन problems से सीख लेते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना लेते हैं. जसवान ने अभी एक रिसर्च की कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में लोग किस तरह का इजहार करते हैं और हमें यह पता चला कि बेशुमार लोगों ने जो उनके न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस थे उन्होंने डिस्प्ले किया सोशल मीडिया पे और बताया कि अगले साल में 2020 में क्या करना चाहते हैं. हमें यह पता चला कि काफी सारे लोगों ने यह कहा है कि नए साल में हमने टॉक्सिक लोगों से दूर रहने. हमने कहा यह तो बड़ा मजे का टॉपिक है, इस पर मजीद रिसर्च की जाए तो पता यह चला कि हमारा यूथ और हमारे यंगस्टर्स जो थे दे वर इक्वली एक्सप्रेसिव अबाउट बीइंग अवे फ्रॉम द टॉक्सिक पीपल. हमने डिस्कस करने के लिए आज फिर रिदा फैसल मलिक को बुलवाया कि आप ये बताएं कि यूथ को किस तरीके से टॉक्सिक लोगों से दूर रहना चाहिए. रिदा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. आप लोगों को टॉक्सिक लोग जो हैं वो आपकी जिंदगी में बहुत सारे हैं जो उनसे दूर रहना है? बिल्कुल होते हैं और उनसे दूर रहना चाहिए बिकॉज़ योर मेन एम ऑफ योर लाइफ शुड बी टू मेक योरसेल्फ हैप्पी एंड टू लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ. एंड टू लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ यू नीड टू गेट अवे विद टॉक्सिक पीपल. राइट, हु आर द टॉक्सिक पीपल? आप लोगों का तो बड़ा लिमिटेड एक्सपोजर होता है. देखिए हाँ जी, टॉक्सिक पीपल एनीवन हु मेक्स यू फील ड्रेन इमोशनली और फिजिकली इज टॉक्सिक फॉर यू. राइट. Anyone who doesn't serve other parts of your life, for example, a healthy relationship is supposed to make you feel more healthy, more confident, more content with your life. But who are the toxic people? घर है, घर पे आके कोई हो सकते हैं, friends हो सकते हैं. If you're in a relationship with anyone, your parents, your any of your family members, your friends, anyone, your colleagues, anyone could be toxic for you. Toxic लोग हैं, इनकी निशानियां क्या हैं? Tell us bit about that actually. How to identify that these are the toxic people? When with whatever relationship you have with the other person, if there are some things which are situational, and I think situational things could be dealt in a very good way, but there are some things which are continuous. For example, some people have chronic anger issues. Uh-huh. And which and they just it's a part of their life, it's and a part they, of their personality. They throw tantrum at you. Yes, and all that. Yes. Wow. Yes, yes. Achha, okay, I mean that can be your parents also. Yes. It could be anyone. Your siblings too. It could be anyone. And there could be repeated neglect. The other person could make you feel neglected all the time. Uh-huh. If that's the case, that's toxic for you. But a lot of people who belittle you at times. Yes. वो चाहते हैं कि अगले बंदे को थोड़ा downplay करके then अपना वो एक grander. वो controlling behavior, उनका dominating behavior होता है. Towards the other person. अच्छा, ये भी निशानी है. What else? I mean, how to identify? Like आपके जो teachers और school में जो आपसे जिन लोगों से आपका रापता होता है. Your colleagues at times they are possessive about you. Yes. If the other person is making you feel insecure about your own self, you don't feel comfortable about your own self. So that person is toxic for you. नहीं, लेकिन रीता, ये तो सब हमारे इर्द गिर्द हैं और बेशुमार लोग हैं. इट्स मीन कि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. आप घर से निकल के स्कूल और फ्रेंड्स जहां कहीं जाएंगे, आप हर किसी को आप वो नहीं कर सकते. बट समवन हु इज क्लोज टू यू, समवन हु इज क्लोज टू योर हार्ट, जो जिसकी कोई भी बात आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, व्हिच इज गोइंग टू अफेक्ट योर पीस ऑफ माइंड, योर मेंटल हेल्थ, दैट्स वेयर यू नीड टू स्टॉप. आर वी गोइंग टू करेक्ट देम? और मुझे बताए ना, मीन आप लोगों का या आपके क्लास फेलो जो है, अगर आप एफर्ट करना चाहें आप अपने पेरेंट्स, यू नीड टू कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन दैट व्हाट्स द थिंग दैट्स बॉदरिंग यू एंड हाउ डू यू वांट द अदर पर्सन टू चेंज इट. ठीक है, फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप. डू यू थिंक इट्स डूएबल? हो सकता है. डेफिनेटली. आपने अपने टीचर को अगर समझाना हो, बड़ा मुश्किल है. कम्युनिकेशन वैसे नहीं सुनते आपकी बात उन्हें. जब सामने वाले को और उन्हें फिर आप ये बताएं कि हमारा ख्याल है आप टॉक्सिक हैं, जरा ठीक हो. इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. नो, द थिंग इज जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं सिचुएशनल किसी वजह से, दैट फॉर एग्जांपल इफ सम पर्सन इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच एंड दैट्स व्हाई दे आर एंग्री और यू नो डिस्टर्बड, तो दैट कैन बी डेल्ट. वो चीज़ आप सामने वाले को बैठ कर समझाएं तो वो समझ जाएंगे. बट कुछ लोगों को जिनकी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है सब चीज़ें, क्रॉनिक एंगर जैसे मैंने आपको कहा, या ये सब चीज़ें जो होती हैं, दैट इट्स अ वेरी वेरी लेस चांस दैट द अदर पर्सन कैन चेंज. अच्छा, अगर चेंज नहीं होते तो हमें डिस्टेंस कर लेना चाहिए उनसे? बिल्कुल बिल्कुल. यू शुड, बिकॉज योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर ओन सेल्फ. राइट. And anything that is bothering your peace of mind and your mental health, you should get away from that. अपने फ्रेंड्स को आप देखते हो तो मुझे ये बताओ कि जिन लोगों पे टॉक्सिक लोगों का एक अम्ब्रेला है या एक इन्फ्लुएंस है,
उनकी पर्सनैलिटी जो है वो चेंज हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है. एट टाइम्स लोग समझते हैं कि जी हमारी अपनी गलती है जिसकी वजह से सामने वाला हमें गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है. बट दैट्स वेयर यू शुड नो दैट इट्स नॉट योर फॉल्ट. इफ समवन इज ट्रीटिंग यू बैड, इट्स टोटली देयर प्रॉब्लम, इट्स टोटली देयर फॉल्ट, एंड यू आर द वन हु नीड्स टू गेट अवे. आप किसी भी टॉक्सिक इंसान से आपका आप मिलते हैं या कुछ भी होता है तो यू शुड डेफिनेटली गेट अवे फ्रॉम दैट. डू यू थिंक इट्स अ फेज? एक बंदा आपकी जिंदगी में थोड़े अरसे के लिए है, फिर उसके बाद यू मूव ऑन एंड ऑल दैट, उसके बाद बंदा ठीक हो जाता है जो टॉक्सिक फेज है? बिल्कुल, उसे निकल जा सकता है. कुछ लोग नहीं भी निकलते, कुछ लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं निकलते. बट आई थिंक यू शुड ऑलवेज गिव योरसेल्फ द पेप टॉक दैट इट्स नॉट योर फॉल्ट एंड व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, एंड व्हेन यू डू समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ दैट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. दैट्स ग्रेट. लेकिन मुझे ये बताओ कि ये आपका ग्रोइंग एज जो है, जहां पे आप स्कूल या कॉलेज में होते हैं, जहां पे आपका एक पर्सनैलिटी इवॉल्व होना होता है, उसके 2 साल 2.5 साल अगर एक ऐसे बंदे के इन्फ्लुएंस में आपके जो कि बहुत नेगेटिव आदमी है और जिसने आपके इट रियली इफेक्ट्स. एक्चुअली डू यू थिंक पेरेंट्स एंड टीचर नीड टू प्ले अ रोल फॉर दैट आल्सो? यस. इसमें मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इफ दिस कम्युनिकेशन, इफ यू कैन कम्युनिकेट विद योर पेरेंट्स, इफ यू कैन कम्युनिकेट विद द टीचर, इफ यू कैन कम्युनिकेट विद योर पार्टनर, यू कैन टॉक अबाउट थिंग्स एंड सॉर्ट देम आउट. राइट. इवन आफ्टर दैट इफ देयर इज नो वे आउट, दैट्स व्हेन यू नीड टू गेट डिस्टेंस. हाउ क्विकली वी नीड टू डिस्टेंस आवरसेल्फ फ्रॉम दोस पीपल? एक्चुअली आई थिंक डेफिनेटली यू शुड definitely give it some time. You should first and foremost thing is accept yourself that you're in a toxic relationship, because everyone knows at the back of their heads that they're in a toxic relationship, but they're scared to accept the fact. Wo apne aap ko ek false illusion mein rakhte hain ki hum ek toxic relationship mein nahi hain, and they try to make things work. But that's where you're wrong. You need to accept that you're in a toxic relationship, and then you should try to move on. You should make a decision that what's right for you and what's wrong for you. Then you need to surround yourself with positivity, with positive people who are going to help you and support you in this matter. And then you need to stick to your decision. अच्छा, यहाँ पे तो हमने विक्टिम की बात की ना कि हम एक ऐसा टॉक्सिक बंदा है उसके हम विक्टिम. जो टॉक्सिक बंदा है उसकी जिंदगी कैसे बीतती है? आप उसकी जिंदगी में निकल जाए तो उसने किसी ना किसी को तो टारगेट करना है. इज अ प्रेडेटर फॉर दैट मैटर एक्चुअली. तो उसको कोई और शिकार ढूंढेगा, वो किसी और को टारगेट करेगा. और ये उन लोगों के साथ होता है, बिलीव कि देखें प्रॉब्लम्स हर किसी की जिंदगी में तो, बट द थिंग इज कि कुछ लोग उन प्रॉब्लम से सीख लेते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना लेते हैं. बट ऑन द अदर हैंड सम लोग अपने जिंदगी के प्रॉब्लम्स और अपने लाइफ चैलेंजेस की वजह से अपने आप को एक नेगेटिव पर्सनैलिटी अपनी डेवलप कर लेते हैं. और फिर जब उनकी वो नेगेटिव पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है तो फिर दे ऑलवेज वॉन्ट समवन टू यू नो दे गोना टारगेट द अदर person and they're going to make the other person feel lesser than them. So un logo ko phir definitely phir you should make your friends, your everyone, all the other people you know aware about that person, that the other person is not right. But Rida, these kind of people are attention seeker also. I mean, jab aap unko ignore karenge to they can be more fatal, they can be more dangerous also, they can be very manipulative at times. They are manipulators also. Yes. Acha, mujhe ye bataye jab ye manipulate karte hain to what kind of manipulation actually they will talk to the other friends of yours actually? Yes. They will reach out to them. Yes. And tell them and they will try to make it, they're going to portray themselves as very very innocent and very nice people in front of other people. Haan. To make you bad in front of the other people. That's very bad actually. वो manipulative एक तरीका होता है type के लोगों के जो parents होते हैं, जो family members होते हैं, सब होते हैं, या वो खुद भी अगर बड़ी age group में हैं, तो उनके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनको ये चीज notice करनी चाहिए and they should take them for help. Do you think the number is big? हमारे इर्द गिर्द अच्छे लोग ज्यादा हैं, toxic लोग ज्यादा हैं? देखें, I guess दोनों ही होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, toxic लोग भी होते हैं, but I guess these days people are being more toxic. These days, because I don't know, maybe they have issues in their families. कहाँ से आते हैं, किधर से आते हैं? Society से भी generate हो रही है और कुछ ना कुछ उनके साथ जरूर हुआ होता है, कोई bad incident या कोई चीज जिसकी वजह से वो अपने अंदर एक बहुत negativity ले आते हैं. Instead क्या वो उस चीज से सीखें और अपने अंदर positivity लाएं, वो negativity ले आते हैं अपने अंदर. जो हमारे different start of the society है, ये महदूद है कि हमारी कोई अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या अपर क्लास? बिल्कुल भी नहीं, इट्स एवरीवेयर, इट्स एवरीवेयर, इट्स एवरीवेयर. एंड आई थिंक उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं दे शुड कंसीडर दिस एंड आस्क फॉर प्रोफेशनल हेल्प फॉर सच पीपल. थैंक यू वेरी मच रिदा, बहुत शुक्रिया. बड़ी डिटेल से हमने रिदा से बात की और मकसद ये होता है कि हमारा जो यंगर जनरेशन है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल और कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं, वो जिस फेज से गुजर रहे हैं, एट टाइम हम उनको एजुकेट कर सकें. एंड द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टॉक टू देम. एक्चुअली जिस तरह रिदा भी बता रही थी, कम्युनिकेट करें. हमें उनसे बात करने से ये पता चलता है कि ये मामलात हम बड़ों के नहीं हैं, ये हमारी शायद वो जो एक विश लिस्ट है उसका हिस्सा नहीं है. बच्चे भी इसके बारे में सोचते हैं, इससे इफेक्ट होते हैं, और हमें फोकस करना चाहिए ताकि हम बच्चों को एक बेहतर माहौल दे सकें, ताकि वो आने वाले टाइम में एक अच्छे और बेहतर इंसान बन सके. थैंक यू वेरी मच.